हाय फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर लौटे एक और न्यू वीडियो के साथ, जो कि हमारा वीडियो फीफा मोबाइल का और बहुत ही अमेजिंग इवेंट चल रहा है चैम्पियन लीग का, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मैं आज चैम्पियन लीग का बहुत ही अच्छा फील्डर क्लेम करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारी एनर्जी क्या है गेम में। तो ठीक है, हम ये खेल सकते हैं जिसमें हमें गोल मारना है। और ये पहला मिस होते हुए बहुत ही अच्छा गोल था रोनाल्डो का। और ये हेलेंड का दूसरा गोल, तो ये लास्ट अटेम्प्ट है जिसमें मुझे 3000 तक कंप्लीट करना है, और मैंने 3051 मैंने पूरा कंप्लीट करा हूँ। बाकी मैं आपको दिखा दूँ मेरे पास अभी चैम्पियन लीग पॉइंट कितने हैं, और मेरे चैम्पियन लीग पॉइंट है मेरे पास 828, और UCL पॉइंट 241 है। तो हम पहले अब जाते हैं UCL रिवॉर्ड में जाते हैं, इसे हम अभी क्लेम करते हैं 100 से, देखते हैं इससे हमें क्या मिलता है। इसमें भी हमें मिला है, अमाउंट मिला है। और UEL रिवॉर्ड में जाते हैं, इसमें देखते हैं हमें क्या मिलता है। इसमें हमें 100 ओवर रेडिंग सेंचेस मिला है, इंटर का फील्डर है। ओके, हम UCL रिवॉर्ड में रिटर्न आते हुए जहाँ हम क्लेम करेंगे 100। यहाँ में मिलेगा अमाउंट, जो कि है 7,50,000। दूसरा है ट्रेनिंग XP, क्या बात है। और एक और खुलना नहीं है, 2000 के बाद आएंगे। तो अभी हम जाते हैं हाईलाइट पॉइंट में, ये हाईलाइट प्लेयर्स में जाते हैं, जो कि फाइनली हमें चैम्पियन लीग का बैच हम फील्डर जो ले रहे हैं वो है नेमार। सो वेलकम बैक नेमार। ज़रूर हम इसको अपग्रेड करेंगे अपनी टीम में। तो मैं आपको अभी लाइनअप दिखाता हूँ, मेरा लाइनअप क्या है। मेरी ओवर रेटिंग हो चुकी है 122, और ये है मेरा लाइनअप। अब हम जा रहे हैं हमारे हज़ार्ड केस में, जिसमें हमें एक मैच कंप्लीट करनी है। सामने टीम की ओवर रेटिंग है 80 और हमारी 122। यह है मेरी टीम का लाइनअप।
और ये सामने टीम का लाइनअप है। तो किक ऑफ हो चुका है, देखिए बॉल है रोनाल्डो के पास। क्योंकि इस बार हम नेमार को ट्राई करना देखते हैं, ये बॉल आ चुका है नेमार के पास। और ये बहुत ही प्यारा गोल, पहला गोल जो पड़ा है 52 मिनट में नेमार का, 10 नंबर जर्सी है और काफ़ी अच्छा फील्डर है, और राइट शूट से बहुत ही अच्छे तरीके से नेमार का गोल। अभी हमने वापस बॉल हमारे हाथ में आते हुए, लेकिन ये फाउल मिला। नाचो ने पास दिया नेमार को, बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग नाचो की, बहुत ही अच्छी डिफेंडिंग थी। फिर से पास दिया नाचो के पास, नाचो ने बिफॉल को पास दिया, बिफॉल ने नेमार को, और नेमार काफ़ी अच्छी स्किल से बॉल आगे लेके आते हुए। और ये सेकंड गोल है नेमार का, क्योंकि 67 मिनट पे सेकंड गोल मारे नेमार ने। और ये क्या हाईलाइट देख सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ही अच्छी स्किल करते हुए। शायद इस बार हैट्रिक हो सकती है नेमार की, बहुत ही अच्छे तरीके से सेम टाइम पे रोनाल्डो को पास देते हुए। बिफॉल ने फिर से रोनाल्डो नेमार के पास पास दिया, और नेमार का थर्ड गोल यानी हैट्रिक हो चुकी है 74 मिनट में। बहुत ही अच्छे नेमार, एक ऐसी यही फील्डर की मेरी टीम में ज़रूरत थी, क्योंकि 3-0 का स्कोर है और सामने टीम जा रही है अटैक पे। और ये काफ़ी अच्छी डिफेंडिंग थी, बॉल है रूनी के पास, रूनी ने नेमार को दिया, नेमार ने फिर से रूनी के पास बॉल है। चलिए इस बार रूनी का गोल करके देखते हैं। रूनी जो कि हमारी टीम के कैप्टन है, बहुत ही अच्छी स्किल थी रूनी की। और ये 86 मिनट पे बहुत ही प्यारा गोल रूनी का, 32 जर्सी है रूनी की, काफ़ी अच्छे तरीके से स्किल की और बहुत ही प्यारा गोल राइट शूट से मारा है। जो कि हमारी टीम में एक और न्यू फील्डर है, और ये डॉट मून के बहुत ही अच्छे से फील्डर है ये। इन्होंने भी काफ़ी अच्छा गोल ट्राई किया लेकिन मिस हुआ, बट कोई बात नहीं, हमारे स्कोर है 4, ये हमारी टीम जीत चुकी है। हम देखते हैं हमारे हज़र्ड का कहाँ तक पहुँचा है, 25 हमारे पास है, 80, बहुत ही जल्दी कमिंग सून हज़र्ड हो सकता है हमारी टीम में। यह भी हमें थोड़ा अपडेट करना चाहिए, तो फ्रेंड आज तक हमारा आज हमारा वीडियो यही ख़त्म होता है। हम फिर लौटेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ, न्यू इवेंट के साथ, जो कि बहुत ही अमेजिंग रहेगा। तो जब तक मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना।
और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करना।